हेलो गाइस, क्या हाल है? ठीक है, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज आप नया व्लॉग शुरू करने जा रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे कि मैंने मास्क डाला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मौसम तब्दील हो रहा है रावलपिंडी में। फिर मुझे जरा आज नजर था थोड़ा बहुत, तो फिर मैंने कहा आज मास्क डालते हैं। बाकी आज जरा एकेडमी हमारी फर्स्ट टाइम थी, सर ने हमें कहा था कि कल को आपको फर्स्ट टाइम आना है जी, कल को आपने फर्स्ट टाइम आना है, तो फिर आज हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। कल को भी फर्स्ट टाइम मेरे घर में जाने, कल को तो मेरे घर में नहीं जा पाऊंगा फर्स्ट टाइम, क्योंकि मेरा नंबर में इंटरव्यू है, दोबारा इंटरव्यू है एक और डिपार्टमेंट का। इंशाल्लाह देखेंगे क्या बनता है। सर को मैं कहूँगा सर सॉरी मैं कल को नहीं आ पाऊँगा, फिर देखते सर क्या रिप्लाई कर। तो गाइस अब रवाना हो रहे हैं, हमारा रूम दूसरे फ्लोर के ऊपर है, पहले फ्लोर में जा चुके हैं, अब बैठ जा रहे हैं। मौसम क्योंकि अभी तो सुबह हुई है तकरीबन, यहाँ पे तो ऐसे ही रहेंगे, धूप है पड़ी और बाहर निकल गए। अब जा रहे हैं भाई, आज तो इतना रश नहीं है क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, लेकिन जब इवनिंग के टाइम यहाँ से जाते हैं ना, ओए होए होए चलने की जगह नहीं होती। ये सारी दुकानें अभी तो ये सारी बंद है। ये जैसे इधर का एक बाजार है, जैसे मित्रा का शमसाबाद का बाजार है ये, फिर अभी तो शॉप बंद है तकरीबन, लेकिन ये 10-11 बजे तक खुल जाएंगे। आज मैं ज़रा सांस भी पहले ले रहा हूँ क्योंकि ज़रा नज़ला है, प्रॉब्लम है और मास्क डाला हुआ है, तो फिर थोड़ी बहुत ये प्रॉब्लम होगी, वरना अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। गाइस तो इस वक्त गर्मी से मौसम आ रहे हैं, 9 बजे गए थे हमारी क्लास की IQ की, वो देखे हैं 160 होटल नंबर होते हैं और 120 वहाँ से लेने होते हैं पासिंग मार्क्स। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मन थे कि 8 मार्क्स से, सर ने कहा IQ आपका बेस्ट है, चलो मैंने कहा इसमें भी पास हो गए हैं। बाकी आप दोबारा जा रहे हैं हॉस्टल, कपड़े कपड़े धोने हैं, जो लोग घर पे बैठे हैं उन्हें तो नहीं पता, जो लोग हॉस्टल में होते हैं उन्हें पता हो जाएंगे, कपड़े भी धोने होते हैं। मम्मी डैडी घर से है, कभी कपड़े नहीं धोए थे, अब पता चल रहा है भाई ये चीज़ ये काम भी करने होते हैं। अभी तो हॉस्टल में है, फर्ज करें अगर हम चले जाते हैं किसी रूम वगैरह में, अपना रूम ले लेते हैं, तो फिर वहाँ पर रोटी भी खुद ही बनानी पड़ेगी। सख्त जा रहे हैं अभी दोबारा अपनी हॉस्टल, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर कपड़े वगैरह थोड़े बहुत धोने हैं वो धोते हैं। शुक्र है मौसम सही है, रात थोड़ी बहुत मैंने बादल तो थे, रात थोड़े बहुत बादल थे तो सही, लेकिन बाद में मेरे ख्याल में मौसम अच्छा हो गया था, लेकिन बारिश की यही थी यहाँ पे, बस ये काम जो हो जाए ना कि थोड़ा बहुत नहीं हो जाए। हेलो गाइस, तो इस वक्त हम पहुँच चुके हैं अपने हॉस्टल। अब मैंने जहाँ पे वैक्सीन रखवाई थी मैंने सुन के कहा यार वैक्सीन ले आओ मेरी, इधर साथ में जो डेंटिस्ट की वो क्लिनिक थी वो अब खुल चुकी है। हम भी अपने रूम में आ चुके हैं, मैं अपना बैग वगैरह रखता हूँ और फिर दोबारा जाता हूँ पास, क्योंकि वैक्सीन ज़रूरी लगवानी है, उसका अपनी 12-13 डोजे हैं वो लगवाएंगे, फिर जाए कोर्स कम्प्लीट होगा। हेलो गाइस, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज मेरी अकेडमी फर्स्ट टाइम थी, तो अकेडमी से होकर आ गए थे, वापसी पे मैंने एलर्जी की मेरी वैक्सीन थी, आज उसकी डेट थी वो लगवानी थी। और वैक्सीन का मेरे ख्याल में किसी को तो पता होगा कि वैक्सीन जब लगवाते हैं तो बुखार वगैरह होता है, जिसमें दर्द होता है, फिर उसके बाद जिसमें दर्द होने का बहुत ज़्यादा, लाइट भी खड़ी हुई थी, तो फिर अब उठे हैं दोनों, चाबी मेरे पास हो गया, मेरे पास है अपनी, अब दोनों उठे हैं हम। मेरा कल को एक तो यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू है, उसकी तैयारी करनी है, और
वहाँ पर भी जाना होगा तो फिर उसके लिए फ़ोटोज़ वगैरह कोई बनवानी है, फिर आप पहले जाके अकाउंट से कुछ पैसे निकलवाता हूँ इसी पैसा से, और इसी पैसा अकाउंट से पैसे निकलवा के फिर जाऊँगा इन शो बनवाऊँगा। ये बाइक है होंडा 125, इसके ऊपर जा रहे हैं, बाद में आपसे मिलेंगे। हेलो गाइस, तो जैसे आपको पता है कि कल को मेरा नंबर यूनिवर्सिटी का एक और इंटरव्यू है, तो और कुछ मैंने और काम भी करना है कल को, फिर एक और रिजल्ट लेने जा रहा हूँ आज, और एक और दोस्त भी है अपना वहीं जो मेरे साथ तहसील मजिस्ट्रेट था, वो भी मेरे साथ ही होगा, और अब उसके पास जा रहा हूँ मैं, फिर देखते हैं आगे कैसे बनता है इंशाल्लाह। जाएंगे उधर से अरे यूनिवर्सिटी के साथ होते हैं शर्ट वाले से लेते हैं, फिर आपको वहीं पे चल के देते हैं। ये भाई तो इस वक्त हम आए हुए हैं इधर रेडियन के ऊपर पैंट शर्ट वगैरह देखने, जो मेरा साथ दोस्त है जो मेरे साथ चला था फैसल मस्जिद, उसने एक पैंट पसंद कर ली है, वो हमने ले ली है 350 रुपये की। रोड के ऊपर ठहरे हुए हैं, शोर भी बहुत होगा रोड के ऊपर खड़े हुए। एक मिनट जरा मैं देखता हूँ, शायद मुझे पैंट मिल जाए, शर्ट शर्ट मिल जाए ना, फिर देखते हैं फुल 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 स्लीव वाली, हाफ स्लीव वाली नहीं चाहिए, हाफ स्लीव मेरे पास है बड़ी पहले से, देखते हैं फुल स्लीव शर्ट मिल जाए। छापर नहीं था क्यों? ये भी शर्टें खड़ी हुई हैं यार इधर, लेकिन फुल स्लीव नहीं है, ये फुल स्लीव नहीं है, ट्राउज़र भी हैं सिलते भी हैं लेकिन फुल स्लीव नहीं है। चलो अब वापस ही चलते हैं फिर आगे, और क्या बचता है। ये 14 अगस्त आने वाला है, तो 14 अगस्त के भी शर्ट उधर आ गए इधर, ये देखें भाई सारी मतलब हाफ स्लीव भी खड़ी हुई है इधर, फुल स्लीव नहीं है। अब दोबारा जा रहे हैं, भाई का कदम भाई का तो काम हो गया इधर, लेकिन इधर मेरा काम नहीं हुआ, फिर मैं देखता हूँ शायद मुझे भी और अच्छी चीज़ है, देखते हैं इंशाल्लाह। ये देखें भाई, ये है PMAS अली शाह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये इसका मेन गेट है। तो गाइस अभी ज़रा गर्मी थी, हमने थोड़ा सोडा पिया है, और अब हम जा रहे हैं दोबारा गौसे चौक की तरफ, क्योंकि पैंट तो हमें मिल गई थी इधर से, लेकिन शर्ट नहीं मिली थी, क्योंकि इधर से हाफ स्लीव और हमने लेने थे फुल स्लीव, क्योंकि गर्मियों में हाथ वगैरह ख़राब हो जाते हैं, और सर्दियों आगे सर्दियों का मौसम आ रहा है, तो फुल स्लीव ही काम आती है, इधर से नहीं थी। अब गौसे चौक के ऊपर एक दुकान है, मतलब दुकान नहीं, वहाँ पर भी स्टॉल है, वहाँ पे देखते हैं अगर इंशाल्लाह मिल जाती है तो ठीक, वरना फिर और आगे चलेंगे, तो अब वहीं पे गौसे चौक पे आप इंशाल्लाह जाके मिलते हैं आपसे दोबारा। गाइस तो इस वक्त मैं आ चुका हूँ दोबारा अपने हॉस्टल, और शर्ट वगैरह भी ले आया हूँ, वाइट कलर की शर्ट ली है अभी, तो जब आया तो पहले तो वहीं से गौसे चौक से शर्ट ली, और फिर इधर आया ट्राई की तो थोड़ी बहुत वहीं से पड़ी थी, तो फिर दोबारा फिटिंग कराने गया इसकी, अब फिटिंग करा के आ चुका हूँ, थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, फिर आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, और जिन भाइयों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल कोलिक बॉय को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब कर दें, और साथ जो बेल का आइकन दिया हुआ है वो भी काइंडली प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।